हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग? मौज बहार। तो आज स्टूडेंट्स, एक नई वीडियो, एक नया टॉपिक। जी हाँ, लास्ट क्लास में हमने एक टॉपिक किया था और आज हम एक नया टॉपिक करने वाले हैं जिसका नाम है सिक्योरिटी लॉ में। टॉपिक गिवन है ये, जिसका नाम है फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड। सिक्योरिटी लॉ के पेपर में, सीएस एग्जीक्यूटिव में जो टॉपिक है फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड, इसको क्यों पिक कर आज मैंने, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम में अगर आप देखोगे स्कैनर में, तो फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन है ये वाला। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड के ऊपर लिखने के लिए। अच्छा, एक अच्छी बात इसमें क्या है, इसमें कोई इनडायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, कोई केस स्टडी नहीं आएगी, कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं बनेगा। इसमें डायरेक्ट क्या होगा, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन बन सकता है, हम एग्जाम्पल में पढ़ेंगे वो कैसे बन सकता है। बट आता है इसमें जनरली क्या है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, एक्सप्लेन फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड। बस 5 नंबर में आपसे इस बॉन्ड को एक्सप्लेन करने के लिए बोला जा रहा है। अब अगर हम नाम से देखें तो पहली बात तो फॉरेन करेंसी, मतलब नाम ही बता रहा है कि एक ऐसा बॉन्ड है जो फॉरेन करेंसी में इशू होगा। कन्वर्टेबल मतलब जिसमें कन्वर्जन का ऑप्शन दिया जा रहा है कि आप कन्वर्ट कर सकते हैं इंटू इक्विटी शेयर। बॉन्ड मतलब डेट सिक्योरिटी है ये। बॉन्ड मतलब क्या है, डेट सिक्योरिटी। तो मतलब फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड क्या है, बॉन्ड एक डेट सिक्योरिटी है जो इशू करा जा रहा है फॉरेन करेंसी में, और जिसमें ऑप्शन दिया जा रहा है कन्वर्जन का कि आप चाहो तो इसको कन्वर्ट करवा सकते हो। हाँ जी, शुरू करते हैं बच्चों टॉपिक। FCCBs शॉर्ट में बोलते हैं इसे, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड आर अनसिक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट। हाँ जी, पहली बात तो ये जो बॉन्ड है वो अनसिक्योर्ड बॉन्ड है, सिक्योर्ड नहीं है। अनसिक्योर्ड क्या होता है, जहां पर जिनको बॉन्ड दिया जा रहा है, मतलब जो कंपनी के क्रेडिटर्स होंगे उनके कोई फेवर में कोई चार्ज नहीं क्रिएट करवाया जा रहा। अगर कंपनी बॉन्ड होल्डर के फेवर में अपनी प्रॉपर्टी पे चार्ज क्रिएट करवा देती, मतलब गिरवी करवा देती प्रॉपर्टी फॉर देयर प्रोटेक्शन, तो माना जाता है ये बॉन्ड सिक्योर्ड हो जाता फिर ये। बट यहां पर बोला गया साफ साफ ये बॉन्ड अनसिक्योर्ड है। पहली बात तो ये बॉन्ड इंडिया में इशू नहीं करा जाएगा, ये बता दूं, बॉन्ड इशू करा जा रहा है इंडिया से बाहर, इसलिए फॉरेन करेंसी में इशू करा जा रहा है। क्वेश्चन अराइज होता है किस कंट्री में इशू करेंगे, तो आप किसी भी कंट्री में आप फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड इशू कर सकते हैं, और किसी भी फॉरेन करेंसी में आप फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड FCCB इशू कर सकते हैं। और जहां भी इशू करेंगे ये बॉन्ड सिक्योर्ड नहीं होगा, ये बॉन्ड अनसिक्योर्ड होगा, विच कैरी ए फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट। और इस बॉन्ड में क्या होगा, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। दो बातें, पहला तो अनसिक्योर्ड बॉन्ड है, दूसरा फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट है। यहां तक बात समझ आ गई, इशूड कहां है, आउटसाइड इंडिया, और जो इशू है ये अनसिक्योर्ड बॉन्ड हो रहा है, और तीसरी बात इसमें फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट है एंड एन ऑप्शन। हाँ जी, कंपल्शन नहीं है, क्या दिया जा रहा है, ऑप्शन दिया जा रहा है, किसको, बॉन्ड होल्डर को। कंपल्सरी कन्वर्टेबल नहीं है, ऑप्शनल कन्वर्टेबल है, बॉन्ड होल्डर के पास चॉइस है कि वो क्या कर सकता है, कन्वर्ट करवाकर फिक्स नंबर ऑफ इक्विटी शेयर ले सकता है इश्यूअर कंपनी के जिसने वो बॉन्ड इशू करा है। अब ईश्वर कंपनी कौन है, ये ईश्वर कंपनी इंडियन कंपनी है, ये ईश्वर कंपनी कौन है, इंडियन कंपनी है। अच्छा, जो खरीद रहा है बॉन्ड होल्डर वो कौन है, आउटसाइड इंडिया नॉन रेजिडेंट, जो इंडिया से बाहर है। तो इंडिया से बाहर एक इंडियन कंपनी क्या कर रही है, फॉरेन करेंसी में बॉन्ड इशू कर रही है, जिसको बोलते हैं फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड, और जिसमें कंपनी ऑप्शन भी दे रही है कि आप इसको कन्वर्ट करवा सकते हो, कन्वर्ट करवा सकते हो इनटू फिक्स नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, और पहले ही बता दिया गया इनटू फिक्स नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। इंटरेस्ट एंड रिडम्पशन प्राइस इफ कन्वर्जन ऑप्शन इज नॉट एक्सरसाइज इज पेबल इन डॉलर्स। हां जी, मान लीजिए बॉन्ड होल्डर ने ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करा कन्वर्जन का, मैंने अभी आपको बताया कन्वर्जन करवाना बॉन्ड होल्डर के लिए कंपल्शन नहीं है, ऑप्शनल है, वो चाहे तो कन्वर्ट करवाए चाहे तो ना करवाए। यही बोल रहा है इफ कन्वर्जन ऑप्शन इज नॉट एक्सरसाइज, अगर कन्वर्जन ऑप्शन बॉन्ड होल्डर एक्सरसाइज नहीं करता तो कोई बात नहीं, हम प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों मिलाकर जो भी उसका मैच्योरिटी की डेट पर होगा डॉलर्स में पे ऑफ कर देंगे उसको। सो बॉन्ड होल्डर के पास मैच्योरिटी डेट पर दो ऑप्शन आ गए, ये मतलब हो गया बॉन्ड होल्डर के पास मैच्योरिटी डेट पे दो ऑप्शन है। पहला, आइदर टू कन्वर्ट देयर बॉन्ड इनटू इक्विटी शेयर्स, या तो अपने बॉन्ड को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर ले, दूसरा रिडम्पशन करवा ले, और अगर रिडम्पशन करवाता है तो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट विल बी पेड इन डॉलर्स, तो इंटरेस्ट अमाउंट जो होगा और प्रिंसिपल अमाउंट जो होगा वो दोनों को पे कर दिया जाएगा डॉलर्स में। और FCCB शैल बी डिनोमिनेटेड इन एनी फ्रीली कन्वर्टेबल फॉरेन करेंसी। हाँ जी, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया,
एफसीसीबी का डिनोमिनेशन क्या होगा, इश्यूइंग करेंसी आप कोई भी रख सकते हो, किसी भी फॉरेन करेंसी में इशू कर सकते हो। हाउएवर इट मस्ट बी कैप्ट इन माइंड दैट एफसीसीबी इशू प्रोसीड नीड टू कंफर्म टू ईसीबी एंड यूज रिक्वायरमेंट। ये ईसीबी क्या है, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग। हम बाहर के बैंक से लोन लेते हैं, मान लीजिए एक इंडियन कंपनी ने यूएसए बैंक से लोन लिया, तो इसको बोलते हैं एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग। और जब एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग करते हैं, उसकी एंड यूज रिक्वायरमेंट है कि कहां कहां उस प्रोसीड्स को यूज करा जाएगा, सेम रिक्वायरमेंट एप्लीकेबल होंगी एफसीसीबी के ऊपर। तो जो एंड यूज रिक्वायरमेंट है कि जो प्रोसीड्स आ रहा है ईसीबी से उसको कहां कहां यूटिलाइज करना है, वो सेम रिक्वायरमेंट एप्लीकेबल होगी एफसीसीबी के ऊपर। ये बात समझ आ गई। फॉरेन इन्वेस्टर्स ऑल्सो प्रेफर एफसीसीबी बिकॉज ऑफ द डॉलर डिनोमिनेटेड सर्विसिंग। हाँ जी, फॉरेन इन्वेस्टर एफसीसीबी में इन्वेस्ट करना पसंद करता है। क्यों? वो एफसीसीबी में इसलिए इन्वेस्ट करना पसंद करता है क्योंकि फॉरेन करेंसी में इशू हो रहा है, फिर उनको पता है कि कन्वर्जन ऑप्शन दिया जा रहा है, कल को अगर इक्विटी शेयर का रेट ज्यादा होगा तो हम कन्वर्ट करवा लेंगे। अभी हम बताऊंगा ये वाली मैंने जो बात बोली कैसे बोल रहा हूँ, इक्विटी शेयर का रेट ज्यादा हुआ। चॉइस होती है इन्वेस्टर के पास, बॉन्ड होल्डर के पास, कि चाहे तो कन्वर्ट करवाए, कन्वर्ट तब करवाएगा जब उसको इक्विटी शेयर में कन्वर्ट होने से बेनिफिट मिल रहा हो, और कन्वर्जन ऑप्शन तब एक्सरसाइज नहीं मिलेगा जब उस नहीं करेगा जब उसको इक्विटी में कन्वर्ट होने से नुकसान हो रहा हो। तो इन्वेस्टर क्या होता है, अट्रैक्ट होता है इस चीज से। बट ये भी याद रखना, बॉन्ड क्या है, अनसिक्योर्ड है, बॉन्ड क्या है, अनसिक्योर्ड बोरिंग्स है। हाँ जी, द कन्वर्जन ऑप्शन एंड आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेड बाय कन्वर्जन ऑफ एफसीसीबी इनटू इक्विटी शेयर एट ए डिस्काउंट ऑन प्रिवेलिंग इंडियन मार्केट प्राइस। इन इंडिया 25% ऑफ एफसीसीबी प्रोसीड्स कैन बी यूज फॉर जनरल कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग। और जो भी प्रोसीड्स आएंगी एफसीसीबी की, उसका बच्चों कितना, 25% हम यूज कर सकते हैं जनरल कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग में। जो प्रोसीड्स ऑफ एफसीसीबी होंगी, जो बाहर से प्रोसीड्स आएंगी, उसका 25% हम कहाँ यूज कर सकते हैं, जनरल कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग में यूज कर सकते हैं। जितनी बातें मैंने अभी आपको बताई, इसको मैं पॉइंट वाइज समझाता हूं। अभी जितना मैंने आपको बताया, अगर मैं बोलूं फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड क्या है, तो बच्चों देखो जितना मैंने आपको पढ़ा इनको पॉइंट वाइज में बुलेट में, जैसे मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था, लास्ट वीडियो में, हमेशा हम हर टॉपिक को कोशिश करें एग्जामिनेशन में लिखते समय उसको पॉइंट्स में कन्वर्ट करें। तो फर्स्ट, एफसीसीबी आर इशूड आउटसाइड इंडिया टू नॉन रेजिडेंट। पहली पॉइंट समझ आ गया, एफसीसीबी हमेशा किसको इशू करा जा रहा है, इंडिया से बाहर नॉन रेजिडेंट को इशू करा जा रहा है, सर ठीक है। दूसरा, एफसीसीबी जो है वो डेट इंस्ट्रूमेंट है, बॉन्ड है तो वो डेट इंस्ट्रूमेंट हुआ, सर ये भी ठीक है। एफसीसीबी जो डेट इंस्ट्रूमेंट है वो एक अनसिक्योर्ड डेट इंस्ट्रूमेंट है, सर ये भी समझ आ गया। और एफसीसीबी कैन बी इशूड फ्रीली इन एनी फॉरेन करेंसी। एफसीसीबी को किसी भी आप किसी भी कन्वर्टेबल किसी भी फॉरेन करेंसी में आप इशू कर सकते हैं। और एफसीसीबी में फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, यस। और एक पॉइंट इसमें हो रहा है, एफसीसीबी को आप चाहो तो एफसीसीबी होल्डर के पास ऑप्शन है उसको कन्वर्ट करवाने का इनटू इक्विटी शेयर। अब मेच्योरिटी डेट पे एफसीसीबी होल्डर के पास कितने ऑप्शन है, दो ऑप्शन है, आइदर टू कन्वर्ट द एफसीसीबी इनटू शेयर्स, या तो वो एफसीसीबी को क्या कर ले, कन्वर्ट कर ले इनटू शेयर्स, और रिडीम कर ले एफसीसीबी, और अगर रिडीम करेगा तो उसको फिर डॉलर्स में पेमेंट कर दी जाएगी। अब देखो बच्चों, 6.7 पॉइंट पढ़ने से क्या हो रहा है, 6-7 पॉइंट, एक पॉइंट मैंने इसमें ऐड कर दिया जो लिखा नहीं हुआ, कि बॉन्ड होल्डर के पास ऑप्शन होता है कि वो चाहे तो कन्वर्ट करवाए चाहे तो कन्वर्ट ना करवाए। अगर उसको एडवांटेज हो रहा है कन्वर्जन में तो कन्वर्ट करेगा, अगर उसको एडवांटेज नहीं हो रहा तो नहीं कन्वर्ट करेगा। तो ये 7 पॉइंट्स में देखिए हमारा टॉपिक क्या हो चुका है, कंप्लीट। और प्रेजेंटेशन देखो तो हर एक पॉइंट अपने आप में हमें पिक्चर क्लियर कर रहा है इस टॉपिक के बारे में। सो मेक श्योर एग्जाम में जब आप प्रेजेंट करें आंसर, तो ये फॉर्म जो ये फॉर्मेट है, पैराग्राफ फॉर्मेट है, पैराग्राफ फॉर्मेट हमेशा सामने वाले को, रीडर को, जो रीड कर रहा है, जो आंसर चेक कर रहा है आपका, चेकर जो है उसको लेजी करता है, लेजी फील करवाता है, पूरा पैराग्राफ पढ़ना पड़ेगा, और माशाल्लाह ऊपर से हमारी राइटिंग ऐसी होती कि समझ ही नहीं आती। सो मेक श्योर आप उसको क्या करें, पॉइंट्स में कन्वर्ट करें, बुलेट्स बनाएं, स्टार बनाएं, बट अलग अलग पॉइंट्स, मतलब उस पैराग्राफ को ब्रेकअप्स करना आपको, तो इजिली उसके लिए क्या रहेगा, कन्वीनियंट रहेगा। एक पॉइंट पढ़ा, समझ आया, फिर वो नेक्स्ट पढ़ लेगा, तो ऐसे वो इजिली क्या कर पाएगा, आपका आंसर पढ़ पाएगा। सो आप कभी भी आंसर को प्रेजेंट जब करेंगे एग्जाम में, तो इस पैराग्राफ फॉर्मेट में ना प्रेजेंट करें, हमेशा पॉइंट्स में तोड़ तोड़ कर उसको आंसर को प्रेजेंट करें। अब एक एग्जाम्पल के साथ एफसीसीबी को और समझते हैं सारी बातों को। सपोज ए कंपनी ए, ये आपके मॉड्यूल में ही एग्जाम्पल दिया हुआ है, एज इट इज वही एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं।
सपोज एक कंपनी ए है जिसने इशू करा बॉन्ड विद द फॉलोइंग टर्म्स। हाँ जी, जो बॉन्ड का इशू प्राइस है वो कितना है? 1000। ये इंडियन रुपी में 1000 है। इशू किस में होगा? फॉरेन करेंसी में होगा। कूपन रेट का मतलब इंटरेस्ट रेट। कूपन का मतलब क्या है? इंटरेस्ट रेट कितना है? 2% पर एनम। हाँ जी, मेच्योरिटी, मेच्योरिटी मतलब कितने टाइम बाद मेच्योर होगा? 2 साल बाद। मेच्योरिटी 2 साल की है। और कन्वर्टेबल इंटू इक्विटी शेयर होगा एट द रेट 800 पर शेयर। कन्वर्टेबल है इंटू इक्विटी शेयर एट द रेट 800 पर शेयर। नाउ सपोज इन्वेस्टर सब्सक्राइब फोर ऑफ दीज बॉन्ड्स। मान लीजिए कि इन्वेस्टर 4 बॉन्ड खरीदता है तो टोटल इन्वेस्टमेंट बॉन्ड की कितनी होगी? 4000 रुपए। क्यों? एक बॉन्ड की वैल्यू 1000 थी, 4 बॉन्ड खरीदे तो कितनी इन्वेस्टमेंट होगी? 4000 रुपए की इन्वेस्टमेंट होगी एक इन्वेस्टर की जिसने 4 बॉन्ड खरीदे हैं। ये बात समझ आ गई? कोई डाउट यहां तक? आगे देखिए, ऑन दिस इन्वेस्टमेंट ही इज एंटाइटल्ड टू गेट एन इंटरेस्ट एट द रेट 2%, और उसको क्या मिलेगा? इस पे 2% का इंटरेस्ट भी मिलेगा उसको। हाँ जी, ऊपर लिखा हुआ ना, ये 2% इंटरेस्ट उसको इस इन्वेस्टमेंट पे क्या मिलेगा? 2% का इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स। कितने साल तक? 2 साल तक। ऑन द मेच्योरिटी डेट आफ्टर 2 ईयर्स, 2 साल बाद, इन्वेस्टर विल हैव एन ऑप्शन। इन्वेस्टर के पास कितने ऑप्शन होंगे? 2 ऑप्शन होंगे। या तो कन्वर्ट करवा ले बॉन्ड को इनटू इक्विटी शेयर्स, या फिर क्या करवा ले? रिडीम करवा ले। चलिए वन बाय वन एक एक ऑप्शन पढ़ते हैं। सो मैच्योरिटी के पास, मैच्योरिटी डेट पर इन्वेस्टर विल हैव एन ऑप्शन फर्स्ट टू आइदर क्लेम द फुल रिडम्पशन ऑफ द अमाउंट फ्रॉम द कंपनी। और ये रहा पहला ऑप्शन, ही हो गया। हाँ जी, पहला ऑप्शन ही हो गया। कंपनी से क्या क्लेम कर ले? फुल अमाउंट ऑफ रिडम्पशन क्लेम कर ले। हाँ जी, मैच्योरिटी डेट पर प्रिंसिपल इंटरेस्ट पूरा क्लेम कर लेगा, और पेबल किस में होगा? डॉलर्स में। दूसरा, गेट द बॉन्ड्स कन्वर्टेड इनटू फुली पेड अप इक्विटी शेयर, या फिर कन्वर्ट कर ले बॉन्ड को किस में? इक्विटी शेयर में। हाँ जी, इक्विटी शेयर की वैल्यू पहले ही बता दी थी 800 पर शेयर। तो अगर मान लीजिए इफ ही गोस फॉर कन्वर्जन, अगर वो कन्वर्जन में जाता है तो इन्वेस्टमेंट कितनी थी उसकी? 4000 रुपए की, और इक्विटी शेयर की वैल्यू जो कन्वर्जन में बता रखी है वो क्या? 800 रुपए। तो उसको कितने इक्विटी शेयर मिलेंगे? 5 इक्विटी शेयर मिलेंगे, 4 फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड के अगेंस्ट। मतलब 4 FCCB के अगेंस्ट 4000 की वैल्यू के उसको 5 इक्विटी शेयर मिल रहे हैं। द चॉइस ही मेक्स विल डिपेंड अपॉन द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन। अब सर, आपने दोनों बातें बता दी कि अगर क्लेम करेगा रिडम्पशन पे अमाउंट तो पूरा अमाउंट डॉलर से मिल जाएगा, और अगर करेगा कन्वर्जन मेच्योरिटी पे, अगर रिडम्पशन की तरफ गया तो पूरा अमाउंट डॉलर से मिल जाएगा, कन्वर्जन की तरफ जाएगा तो 5 इक्विटी शेयर। सर बेस्ट ऑप्शन क्या है? बेस्ट ऑप्शन क्या है? डिसीजन बताइए, कन्वर्ट करना चाहिए, रिडीम करवाना चाहिए? तो बच्चों डिपेंड करेगा मार्केट प्राइस क्या चल रहा है। देखिए, इफ द शेयर्स ऑफ द कंपनी ए इज ट्रेडिंग एट ए लोअर देन 800 रुपीज, अगर मान लीजिए प्राइस क्या है मैच्योरिटी डेट पे 800 से कम है, सेस लेट्स से फॉर एग्जांपल 500 रुपए आ गया, तो एक मुझे बात बताओ, अगर आप कन्वर्ट करके आप 800 में क्यों कन्वर्ट करोगे? अगर आप 800 में कन्वर्ट कर रहे हो तो आप गलत कर रहे हो। आप 500 रुपए की चीज आप क्या कर रहे हो? 800 में खरीद रहे हो, कहने का मतलब ये हो गया। अगर मान लीजिए जो एक्चुअल में जो प्राइस है वो लोअर देन 800 हो गया, ठीक है जी, और अभी कितना आ गया? 500 रुपए आ गया। सो इन्वेस्टर विल बी बेटर ऑफ बाय क्लेमिंग द फुल रिडम्पशन ऑफ द बॉन्ड। बेटर है वो क्या कर ले? रिडम्पशन करवा ले, जो पैसा आएगा उससे बाय कर ले शेयर, और अब जो बाय करेगा वो 500 रुपए के हिसाब से करेगा, तो 4000 उसे मिले रिडम्पशन पर, और 500 रुपए का एक इक्विटी शेयर खरीदेगा तो कितने मिलेंगे? 8 इक्विटी शेयर मिलेंगे। और अगर रिडम्पशन, अगर मान लीजिए कन्वर्जन करवा लेता, रिडम्पशन ना करवाता, तो 4000 डिवाइड बाय 800 होता, कितने शेयर मिलते उसको? सिर्फ 5 शेयर मिलते, विच ही वॉज गेटिंग ऑन कन्वर्जन। तो बेटर क्या है? बेटर बच्चों ये है कि वो क्या करे? रिडम्पशन की तरफ जाए, क्योंकि जो प्राइस है करंट मार्केट प्राइस वो 800 से कम हो चुका है, तो वो कन्वर्जन क्यों ऑप्शन, वो कन्वर्जन ऑप्शन ऑप्ट ना करके रिडम्पशन ऑप्शन ऑप्ट करेगा, और रिडम्पशन में जो पैसा मिलेगा उससे जाकर इक्विटी शेयर खरीद लेगा, और ज्यादा इक्विटी शेयर मिलेंगे उसको। 4000 रिडम्पशन पे मिला, डिवाइड बाय 500, 8 इक्विटी शेयर आ गए, और अगर कन्वर्जन करता 800 रुपए के हिसाब से 5 इक्विटी शेयर मिलते। तो बेटर क्या था? बेटर था यहां पर क्या करना? रिडम्पशन करवाना। चलो इसका ऑपोजिट सर, प्राइस 800 से ज्यादा भी तो हो सकता है। हाँ जी बिल्कुल हो सकता है। 800 का प्राइस मान लीजिए 1000 रुपए का हो गया। इफ द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर इज हायर देन 800, अगर मान लीजिए मार्केट प्राइस 800 का है, तो रिडम्पशन करवाने का फायदा नहीं, अब कन्वर्जन करवाने का फायदा है। अगर आपने रिडम्पशन करवाया, आपको 4000 मिले, और मार्केट में वो चीज अब 1000 रुपए की होगी है, तो आपको 4 इक्विटी शेयर मिलेंगे। मान लीजिए करंट मार्केट प्राइस अब इक्विटी शेयर का 800 से ज्यादा होकर 1000 रुपए हो गया,
तो 4000 की आपकी रिडेम्पशन के टाइम पर आपको पैसा मिलेगा, 4000 आपको मिला और आप 1000 पर इक्विटी शेयर खरीदेंगे, 4 इक्विटी शेयर आए। और अगर कन्वर्जन करते 4000 डिवाइड बाय 800, 5 इक्विटी शेयर आते। अब बेटर क्या है, अब कन्वर्जन बेटर है जब मार्केट प्राइस क्या हो चुका है 800 से ज्यादा हो चुका है। सो इन्वेस्टर विल बी गेटिंग बेनिफिटेड बाय शेयर कन्वर्टेड, हाँ जी बॉन्ड कन्वर्टेड। अब इन्वेस्टर का फायदा अपने बॉन्ड्स को कन्वर्ट कर दे इक्विटी शेयर्स में। दस ऑन डे ऑफ मैच्योरिटी इन्वेस्टर विल सीक फुल रिडेम्पशन इफ द कन्वर्जन प्राइस इज हायर देन द करंट मार्केट प्राइस एंड विल गो फॉर कन्वर्जन इफ द कन्वर्जन प्राइस इज लेस देन करंट मार्केट प्राइस। ये लास्ट में तीन लाइन में कंक्लूजन दे रखा है, समझ आ गया। तो हमारा डिसीजन कन्वर्जन का होना चाहिए, हमारा डिसीजन रिडेम्पशन का होना चाहिए, टोटली डिपेंडिंग अपॉन करंट मार्केट प्राइस। दो साल बाद मैच्योरिटी डेट आएगी उस पे मार्केट प्राइस तब क्या प्रिवेलिंग होगा। अगर मार्केट प्राइस, सिंपली सोचो बेटा, अगर मार्केट प्राइस 800 से कम है तो बेटर क्या, रिडम्पशन करवा ले और जो पैसा आएगा उससे मार्केट में कम रेट पर खरीद ले, इक्विटी शेयर ज्यादा मिलेंगे। और अगर मार्केट प्राइस 800 से ज्यादा हो चुका है, अब बेटर है कन्वर्ट करवा ले, क्योंकि अब अगर वो मार्केट से खरीदेगा उसको ज्यादा क्या मिलेगा, इक्विटी शेयर। अब कन्वर्ट करवाएगा, ज्यादा नंबर ऑफ इक्विटी शेयर ले लेगा। तो डिपेंड करेगा कि मार्केट प्राइस करंट क्या चल रहा है दो साल बाद मैच्योरिटी डेट पे, उस पे हमारा ऑप्शन डिपेंड करेगा कन्वर्जन का और रिडम्पशन का। आई होप ये इस एग्जांपल के साथ क्या हो रहा है आपको कहानी समझ आ रही है कि कौन सा ऑप्शन ऑप्ट करना चाहिए, वेदर टू गो फॉर रिडम्पशन और फॉर कन्वर्जन। अब बच्चों एक एग्जाम ऐसा भी आ सकता है, जैसे मॉड्यूल में आपके एक एग्जाम्पल दे रखा है, हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल क्रिएट करा, वैसे कुछ आपके पास वहां पर एग्जाम्पल दे दिया जाए और आपको ये भी बता दिया जाए कि दो साल बाद मैच्योरिटी डेट पर ये मार्केट प्राइस प्रिवेलिंग है, तो आप बताइए बेटर ऑफ क्या रहेगा इन्वेस्टर के लिए, कन्वर्ट करवाना या रिडीम करवाना। तो आपको देखना पड़ेगा कि वहां पर जो प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस है वो कहानी क्या बोल रही है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ये बच्चों हमारा फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड कंप्लीट हो गया है। आई होप ये बात समझ आई आपको पक्का। एक बार बेटा दोबारा से मैं आपको फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड के मेन बेटा जो क्रक्स फीचर्स है वो हम पढ़ते हैं। पहली बात तो फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड एक डेट इंस्ट्रूमेंट है, हाँ जी बॉन्ड है बेटा, बॉन्ड मतलब डेट इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है जी। दूसरी बात याद रखिएगा, ये डेट इंस्ट्रूमेंट ऐसा जो अनसिक्योर्ड है, सिक्योर्ड नहीं है, मतलब जो बॉन्ड होल्डर है, जो क्रेडिटर है, उसके फेवर में कंपनी ने कोई भी चार्ज क्रिएट नहीं करा। तो पहली बात तो डेट इंस्ट्रूमेंट है और दूसरी बात ये अनसिक्योर्ड डेट है। तीसरी बात ये इशू कहां हो रहा है, आउटसाइड इंडिया इशू हो रहा है। फोर्थ चीज, और ये इशू जो हो रहा है किसी भी फॉरेन करेंसी में आप इशू कर सकते हैं, आप बॉन्ड को, एफसीसीबी को किसी भी फॉरेन करेंसी में आप इशू कर सकते हैं। फिफ्थ, इस पे फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, कूपन रेट जो है, इंटरेस्ट रेट वो क्या है, फिक्स मिलता है। पांचवी बात ये होगी फीचर, पांचवा समझ आ गया। छठा, इन्वेस्टर जो होगा, इन्वेस्टर के पास ऑप्शन होगा कि वो चाहे तो मैच्योरिटी डेट पे कन्वर्ट करवा ले, चाहे तो रिडीम करवा ले। अगर रिडीम करवाएगा तो उसको जो पेमेंट कर दी जाएगी वो डॉलर्स में कर दी जाएगी, कन्वर्ट करवा लेगा तो उसको बदले में इक्विटी शेयर मिल जाएंगी। ये बात समझ आ गई। फिर उसके बाद एक पॉइंट याद रखिएगा, जो भी प्रोसीड्स आएंगी एफसीसीबी की, वो ईसीबी की एंड यूज रिक्वायरमेंट को कंप्लाई करेंगी, और जो भी एफसीसीबी प्रोसीड्स है उसका 25% हम यूज कर सकते हैं जनरल कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग में। ये बात समझ आ गई। और यही बेटा मैंने क्या कर रखा है, आपके अलग अलग पॉइंट्स बनाकर, मैंने बुलेट पॉइंट्स बनाकर ये टॉपिक को समझाया हुआ है। और लास्ट में मैच्योरिटी डेट पर हमारा डिसीजन कैसे होगा वो डिपेंड करेगा करंट मार्केट प्राइस पे। करंट मार्केट प्राइस जो चल रहा होगा तब उसके ऊपर हमारा डिसीजन इन्फ्लुएंस होगा कि हमें कन्वर्जन करवाना चाहिए या फिर रिडम्पशन करवाना चाहिए। याद रखना बच्चों, रिडम्पशन करवाएंगे तो डॉलर्स में पेबल होगा, कन्वर्जन करवाएंगे तो इक्विटी शेयर मिल जाएंगे। ये हमारा हो जाता है फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड, जो मुझे आज की क्लास में आपको, आज की वीडियो में बताना था। एक बॉन्ड और होता है फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड, जिसको बोलते हैं एफसीईबी, उसका भी मैं आपको इसके साथ लिंक करके बताता हूं एफसीसीबी के साथ कैसे है। ये तो हो गया फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड, एक होता है फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड। फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड में बस इतना सा डिफरेंस होता है कि जो कंपनी इशूइंग कंपनी है, जो फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड इशू कर रही है, और बाद में अगर बॉन्ड होल्डर अगर बाद में इक्विटी शेयर क्लेम करता है तो जो इशूइंग कंपनी ने जो इशू करे है बॉन्ड वो नहीं देगी अपने इक्विटी शेयर, कोई दूसरी कंपनी क्या करेगी, इक्विटी शेयर ऑफर करेगी। हाँ जी, मतलब इशूइंग कंपनी जो होगी फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड वो अलग होगी,
और जो इक्विटी शेयर अपनी इशू करेगी कन्वर्जन के टाइम पर, एक्सचेंजेबल बॉन्ड बोलते हैं उसे, वो जो जो इशू करेगी इक्विटी शेयर, वो अलग कंपनी होगी और दोनों ही कंपनी सेम प्रमोटर ग्रुप की होनी चाहिए। मतलब जो कंपनी इशूइंग कंपनी है जो बॉन्ड इशू कर रही है, और जो ऑफर्ड कंपनी इक्विटी शेयर देनी है, बोथ मस्ट बिलोंग टू सेम प्रमोटर ग्रुप, और सेम प्रमोटर, एक ही प्रमोटर ग्रुप की होनी चाहिए वो। ये बस फर्क होता है फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड पर, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड में। जब मैं फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड की वीडियो बनाऊंगा तो उसमें डिटेल्ड में आपको फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड बताऊंगा। बस यहां पर मेरा पर्पज ये था लास्ट में आपको फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड को बताने का, ताकि आप डिफरेंशिएट कर पाए, आप मेजर डिफरेंशिएट कर पाए एफसीसीबी और एफसीईबी में क्या है। आई होप ये आपको टॉपिक, ये कॉन्सेप्ट फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड का अच्छे से समझ आ गया होगा। ये एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, कोई इनडायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा। कमेंट करने के लिए बोला जाएगा, 5 नंबर के लिए आपको सारा का सारा बॉन्ड के फीचर लिखने हैं, 5 नंबर पूरे फुल फ्लेज नहीं मिलेंगे, मिलते तो कम है ना। कभी किसी के सुने 100 नंबर आए हैं, 90 मार्क्स आए, प्रोफेशनल एग्जाम में मार्क्स कटते हैं। बट बेटा मार्क्स ना कटे इसके लिए पैराग्राफ फॉर्म की प्रेजेंटेशन आंसर को छोड़कर हमेशा पॉइंट वाइज में आप कन्वर्ट करके आंसर लिखें, बेटर रहेगा अप्रोच, बेटर अप्रोच आंसर प्रेजेंट करने की। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो में जो कॉन्सेप्ट है सिक्योरिटी लॉ का, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड एफसीसीबी, आपको अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। खुश रहिए बच्चों, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच, गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।